हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं फ्रेंड? आज मैंने बनाया है ये क्यूट सा स्लिंग बैग, बिल्कुल वेस्ट फैब्रिक से, जो सिलाई से बचे हुए कतरन के टुकड़े होते हैं ना, उसी को जोड़कर मैंने इसे बनाया है। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप घर पर आसानी से इसको बना सकते हैं। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये बनकर रेडी हुआ है। और ये देखिए, मैंने 3 पीस मैंने बनाया है। और इसे किस तरह मैंने बनाया है वही वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 2 पीस लिया है, एक मेन फैब्रिक है और एक लाइनिंग के लिए लिया है, और बीच में लगाने के लिए लिया है प्लास्टिक की बोरी का मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो फॉर्म शीट ले सकते हैं। और इसको इस तरह रखने के बाद चारों तरफ सिलाई लगा ली है और बीच में भी सिलाई लगा के उसको अच्छे से फिनिश कर लिया है, ये देखिए। और चलिए आपको इसका मेज़रमेंट बता दे रहे हैं। तो इसकी लंबाई है 17 इंच और इसकी चौड़ाई है 11 इंच, इतना मैंने लिया है। और स्टिप भी मैंने कट कर ली है, तो इसकी लंबाई मैं ले रही हूँ 40 इंच। अगर आप चाहें तो कम ज़्यादा ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इसकी मैंने लंबाई 40 इंच ली है। अब हम इसे करेंगे डबल फोल्ड। डबल फोल्ड करने के बाद इसमें लगाएंगे पिन, ताकि कपड़ा इधर से उधर खिसके ना, कटिंग करने में आसानी रहे। अब फोल्डिंग वाली साइड में 1.5 इंच पर सिलाई छोड़कर निशान लगाएंगे, और दूसरी साइड से भी 1.5 इंच पर निशान लगा के छोटा सा बॉक्स बना लेंगे। और दूसरी साइड में भी इसी तरह 1.5 इंच पर निशान लगा के एक छोटा सा बॉक्स बना लेंगे, ये देखिए। बनाने के बाद अब ऊपर साइड में 1 इंच पर, ये देखिए, इस साइड इस तरह निशान लगाएंगे, और दूसरी साइड में भी 1 इंच पर निशान लगा के दोनों साइडों में देखिए इस तरह तिरछा करते हुए उसको मिला लेंगे। ऊपर से इंची टेप रख के इस तरह इसको मिला लेंगे। ये देखिए रेडी कर लिया है मैंने, निशान लग गया है। और लगाने के बाद इसी में इसी की कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसी कटिंग कर ली है, अब इसे कर रहे हैं सीधा। और सीधा करने के बाद 2 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ ऊपर से, ये देखिए 2 इंच पे ऐसे इंची टेप रख कर निशान पूरे में लगा लेंगे, कुछ सीधी लाइन खींच लेंगे। और निशान लगाने के बाद अब इसकी कर लेंगे कटिंग, ये देखिए। कटिंग करने के बाद इस स्टिप को मैं अलग कर दे रही हूँ। अब इस पीस को रखेंगे सीधा। सीधा करने के बाद इसके ऊपर रखेंगे जिप उल्टा करके, ये देखिए उल्टा करके जिप रख रहे हैं, और उसके ऊपर रख रहे हैं स्टिप फिनिशिंग के लिए, ये देखिए। इस तरह रख कर इसमें सिलाई लगा लेंगे सीधे, और ये जो स्टिप है इसमें भी सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों में सिलाई लगा ली है। और लगाने के बाद अब जहाँ पे जिप लगाया है, जिप के लास्ट में पहले सिलाई लगा लेंगे, ताकि रनर बाहर ना निकले। नहीं तो आप खींचेंगे ना तो रनर बाहर निकल जाएगा, तो फिर जैसे रनर आप डाल लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं डाल पाएंगे तो आपको परेशानी होगी। तो ये देखिए वहाँ पे सिलाई लगाने के बाद ऊपर से मैंने फिनिश कर लिया है। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके, ये देखिए इस तरह फोल्ड करके इधर भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड से सिलाई लगा ली है। और अब दूसरा वाला पीस जो कटिंग करके अलग किया था उसको रखेंगे इस तरह, पहले चेक कर लेंगे कि सही रखा है या नहीं। तो अब इसको उल्टा करके रखेंगे, जिप को रखेंगे बीच में, और स्टिप जो ली है फिनिशिंग के लिए उसको सबसे नीचे रखकर इस तरह सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा लिया है। अब इसके ऊपर भी फिनिशिंग के लिए सिलाई लगा के लगा लेंगे। तो ये देखिए वो सिलाई भी मैंने लगा ली है। अब इसको भी अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने इधर भी सिलाई लगा ली है, फिनिशिंग की भी सिलाई लगा ली है। अब ये पीस रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर रखेंगे, अब इसमें लगानी है पॉकेट। तो ये देखिए उसी के बराबर मैंने पीस कट कर लिया है। अब इसको इस तरह रखेंगे, और जहाँ से उसकी नीचे साइड में बॉक्स की कटिंग हुई है उससे 1 इंच ऊपर अंदर की तरफ फोल्ड करके, चाहे तो आप पहले सिलाई लगा लीजिए, चाहे तो डायरेक्ट फोल्ड कर लीजिए वहीं पर, और चारों साइड में सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए नीचे से 1 इंच छोड़ते हुए चारों साइड में इस तरह सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है, और लगाने के बाद देखिए ये पॉकेट रेडी हो गया है। अब इसमें लगाएंगे सबसे ऊपर साइड में जिप, तो उसको भी उल्टा करके रखेंगे इस तरह, और एक स्टिप रखेंगे इसके ऊपर फिनिशिंग के लिए, इसको भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, और ऊपर से भी फिनिशिंग फिनिश कर लिया है। और करने के बाद इसको भी अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। अब इसको डबल फोल्ड करेंगे,
और बीच में जिप रहेगी, सबसे नीचे एक स्ट्रिप, ये देखिए स्ट्रिप लगा ली है, लगाने के बाद उसमें भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब रनर को सबसे किनारे कर लीजिए और सिलाई लास्ट में ज़रूर लगी होनी चाहिए, नहीं रनर बाहर निकल जाएगा। और ये देखिए इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करके फिनिशिंग की सिलाई लगा लीजिए। ये देखिए इस तरह सिलाई लगा लेंगे और मैंने सिलाई लगा ली है। लगाने के बाद ये देखिए अंदर की तरफ फोल्ड करके भी सिलाई मैंने लगा ली है। ये देखिए ये भी कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम करेंगे सीधा, अब क्योंकि इसमें लगानी है स्टिप, तो चलिए अब इसको सीधा करने के बाद अब इसको इस तरह बिछा लेंगे ताकि जिप बीचों बीच में आ जाए। और ये देखिए जो स्ट्रिप रेडी की है ना, तो इसको इस तरह जिप के साइड में, इस साइड में और दूसरी साइड में भी इस तरह अंदर की तरफ रखेंगे। ये देखिए इस तरह रख के सिलाई लगा लेंगे। और ये देखिए इसको भी इस तरह रख के इसमें भी सिलाई लगा, अगर आप चाहें तो इसे पिन पहले लगा लीजिए तब सिलाई लगाइए, आप चाहें तो इसी तरह सिलाई लगाइए। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, ये भी रेडी हो गया है। अब इसको करेंगे उल्टा, उल्टा करने के बाद अब इसको जो स्टिप है उसको अंदर कर देंगे। और अब ये दोनों किनारों में ये देखिए इस तरह पकड़ के दोनों साइडों में सिलाई लगाएंगे। ये देखिए और स्टिप के साथ इसको फिनिश कर लेंगे। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और स्टिप के साथ इसको फिनिश भी कर लिया है। अब इसके जो बॉक्स है उसको इस तरह पकड़ेंगे, पकड़ के इधर भी सिलाई लगा लेंगे और दूसरी तरफ भी ये कॉर्नर से कॉर्नर को पकड़ के सिलाई लगा के इसको भी स्टिप से फिनिश कर लेंगे। ये देखिए मैंने स्टिप से इसको भी फिनिश कर लिया है। अब ये छोटा सा बैग मेरा बनकर रेडी हो गया है, इसको सीधा करके आपको दिखाते हैं। और ये देखिए फ्रेंड कितनी जल्दी ये बनकर रेडी हो गया है। अगर आप चाहें तो इसके पीछे साइड में भी पॉकेट लगा सकते हैं। और ये देखिए कितना क्यूट सा लग रहा है और बिल्कुल बनकर रेडी हो गया। फ्रेंड आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब दूसरा बैग बनाते हैं। तो उसको छोटे छोटे पीस में अलग अलग पीस को कट करके मैंने बनाया है। तो ये देखिए मैंने दो पीस लिए हैं, एक रेक्टेंगल पीस लिया है इसकी लाइनिंग के लिए मैंने पीस ले लिया है और दूसरा वाला पीस लिया है वो छोटे छोटे टुकड़ों में है। ये देखिए दो पीस अलग अलग है, इसको मैंने लिया है। अब इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ फॉर्म शीट का, तो इसमें भी लाइनिंग के दो अलग अलग पीस मैंने रेडी कर लिए हैं। तो ये फॉर्म शीट मैंने ली है, ये फॉर्म शीट आसानी से मार्केट में मिल जाती है, 25 रुपये की 2 मीटर मुझे मिली है। आप इसमें भी चारों तरफ से पिन लगा लेंगे और लगाने के बाद इसको इसमें भी सिलाई लगा के किनारे साइड में बीच में सिलाई लगा के इसको भी रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए तीनों पीस मैंने रेडी कर लिए हैं। और इसकी नाप मैं बता दे रही हूँ, इसकी लंबाई और चौड़ाई 9 इंच है। ये देखिए 9 इंच इधर से 9 इंच उधर से है, स्क्वायर में है। दो पीस मैंने रेडी किया, दो पीस मैंने अलग अलग इसलिए लिया है, बैग बनाने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो इसमें अच्छे से उसको समझ में आ जाएगा। अलग अलग पीस छोटे टुकड़े में भी आसानी से वो बना सकता है और अलग अलग रहेगा तो उसको सिलाई करने में भी आसानी रहेगी। तो ये देखिए मैं 1.5 इंच पे निशान लगा के छोटा सा स्क्वायर में बना ले रही हूँ। ये देखिए छोटा सा ये बॉक्स बनकर रेडी हो गया है 1.5 इंच का, ऊपर 1 इंच इस साइड में और 1 इंच दूसरी साइड में भी निशान लगा लेंगे। ये देखिए और निशान लगाने के बाद ऊपर से लेकर नीचे तक इसको इस तरह तिरछा मिला लेंगे दोनों साइडों में और निशान लगा लेंगे। और निशान लगाने के बाद अब इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद दूसरा वाला पीस भी इसी के ऊपर रख कर उसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह फ्रेंड समझने में भी आसानी रहेगी। छोटा सा अगर छोटे छोटे पीस भी आपके पास हैं तो उसको भी जोड़कर आप इस तरह बना सकते हैं। तो ये देखिए दूसरे वाले पीस को भी मैंने इसके ऊपर रख दिया है और रखने के बाद अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे। आपको अगर ज़रा से भी सिलाई आती है तो आपको इस तरह बैग बनाने में बहुत ही आसानी रहेगी और इसमें सिलाई भी आप आसानी से लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने स्टिप की कटिंग भी कर ली है, तो इसकी लंबाई मैं बता दे रही हूँ आपको, ये 40 इंच ही ली है। आप चाहें तो कम ज़्यादा अपना कर सकते हैं। तो इसको भी डबल फोल्ड करके इस तरह सीधी सिलाई लगा लेंगे दोनों साइडों में। तो चलिए अब इसमें मैंने पिन लगा ली है, लगाने के बाद अब इसको एक पीस मैंने लिया है, एक पीस में 2 इंच पे मैं निशान लगा के बिल्कुल सीधा निशान लगा के इसकी कटिंग कर ले रही हूँ, क्योंकि इसमें मैं पॉकेट लगाऊंगी, ऊपर भी पॉकेट रहेगी अंदर भी रहेगी, तो इसलिए इसे कटिंग की है। अब मैं पतली पतली स्टिप काट ले रही हूँ फिनिशिंग के लिए।
अब ये जिप मैंने ली है, जिप को उल्टा करके रखा है और रखने के बाद इसको भी ऊपर से फिनिश करके अंदर से भी फोल्ड करके सिलाई लगा ली है, ये देखिए। और अब जो दूसरा वाला पीस है उसको पलट के रखा है, उसमें भी सिलाई लगा लेंगे, इस तरह फिनिश कर लेंगे। ये देखिए दोनों मैंने फिनिश कर लिया है। अब लगानी है पॉकेट, तो पीस बने बराबर कट कर लिया है, नीचे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद फिर उसको रखेंगे, उसको चारों तरफ से सिलाई लगा के उसको भी अटैच कर लेंगे। और दूसरा वाला जो पीस मैंने लिया है इसमें भी एक छोटा सा पॉकेट लगाएंगे, तो उसमें पहले मैं सेंटर में निशान लगा ले रही हूँ और 2 इंच अंदर साइड में निशान लगा ले रहे हैं। इसमें लगाने के बाद ये छोटा सा पीस मैंने लिया है 7x7 इंच का, इसमें मैं सेंटर पर निशान लगा रही हूँ। अब ये देखिए सेंटर, इस सेंटर को और नीचे जो पीस रखा है उस पर सेंटर को मिलाते हुए तीनों साइड में सिलाई लगा लेंगे और ऊपर ऊपर वाला ओपन रखेंगे। ठीक है, देखिए दोनों पॉकेट मेरी रेडी हो गई है। एक ये पॉकेट मैंने बना ली है और दूसरी वाली पॉकेट भी रेडी हो गई है। इसमें जिप नहीं लगाई, अगर आप चाहें तो उसमें भी जिप लगा लीजिए। तो देखिए रेडी हो गया है। और अब इस क्या करेंगे, इसको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको काट करके हटा देंगे। अब इसमें भी जिप लगानी है तो इसको भी उल्टा करके रखेंगे और फिनिशिंग के लिए स्टिप ऊपर रखेंगे और रख के सिलाई लगा के इसको भी फिनिशिंग के लिए सिलाई लगा लेंगे ऊपर से और बाकी अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने उसमें भी सिलाई लगा ली है। अब दूसरे वाले पीस को इसके ऊपर रख रहे हैं। अब जिप में जिप नीचे रहेगी और ऊपर वाला पीस रहेगा और सबसे नीचे रहेगा स्टिप, उसमें भी इस तरह देखिए सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब इसको बिल्कुल सीधा इस तरह रखेंगे अंदर की तरफ, फिनिशिंग की सिलाई इस पर भी लगा लेंगे। तो ये देखिए इसमें फिनिशिंग सिलाई लगा ली है और अंदर की तरफ फोल्ड करके भी सिलाई लगा ली है। तो ये देखिए फ्रेंड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये अलग अलग पीस है तो साफ दिखाई भी दे रहा है और आपको मोड़ने का झंझट भी नहीं रहेगा। तो आप इस तरह जब शुरुआत करें तो आप इसी तरह का बैग बनाएंगे तो आपको आसानी रहेगी। अब इसमें डोरी लगा लेते हैं, तो उसके लिए देखिए इस तरह दोनों साइडों में अटैच कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे। अब इसको डबल फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद दोनों साइडों में और नीचे साइड में भी, क्योंकि नीचे साइड नीचे वाला साइड भी ओपन है, तो तीनों साइड में सिलाई लगा लेंगे और स्टिप से फिनिश कर लेंगे उसको भी। तो ये देखिए दोनों साइडों में सिलाई लगा ली है और नीचे साइड में भी दोनों तीनों साइड में ये फिनिश कर लिया है। अब ये बॉक्स को इस तरह पकड़ेंगे, सिलाई लगा लेंगे तो दोनों साइडों को फिनिश कर लेंगे। ये देखिए अब ये भी दोनों साइड फिनिश हो गए। अब इसको सीधा करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड ये भी बनकर रेडी हो गया है और कितना क्यूट सा लग रहा है, प्यारा सा। तो ये देखिए अंदर भी पॉकेट हो गई है, बाहर भी है। अगर आप चाहें तो इसमें और भी पॉकेट लगा सकते हैं इसी तरीके से। और दूसरा वाला पीस भी उसमें जो है हम जिप कुछ भी नहीं लगाएंगे, उसमें सिर्फ अंदर की तरफ पॉकेट लगाएंगे दो साइडों में। तो उसमें भी इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने कटिंग कर ली है बिल्कुल सेम उसी तरीके से, और अंदर के लिए पॉकेट के लिए भी पीस मैंने कट कर लिया है। तो ये देखिए उसमें भी जिप लगा के इसको भी अटैच कर लेंगे और ये पॉकेट को अंदर साइड में जैसे आप मैंने बताया ना इस तरह सिलाई लगा लेंगे, उसमें भी दोनों साइडों में पॉकेट लग जाएगी, वो भी विदाउट जिप। इसमें जिप नहीं लगाएंगे, इसमें सिर्फ सिंपल इसी तरह रख रहे हैं। तो ये देखिए इसमें भी मैंने रेडी कर लिया है, इसमें भी उसी तरीके से सिलाई कर ली है। अब इसको भी सीधा करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड ये भी बैग रेडी हो गया। अभी इसमें थोड़ा सा काम बाकी है। तो ये जो नीचे साइड में रहता है ना, इसको और भी फिनिशिंग देने के लिए आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इसका जो नीचे साइड में जो इसका कॉर्नर है ये बार बार मुड़े ना, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, ये कॉर्नर को ये देखिए दोनों साइड को इस तरह आप पकड़ेंगे। अब पकड़ने के बाद इसमें 1/2 इंच से भी कम में सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए दोनों साइडों में सिलाई लगा लेंगे दोनों बैग में। तो चलिए पहले सिलाई लगा के आपको दिखाते हैं। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, लगाने के बाद देखिए बिल्कुल अच्छे से और भी फिनिशिंग आ गई इसमें। अब ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया, अब इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल बैग आपका तैयार हो गया है। और फ्रेंड आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।